आज 15 अगस्त स्वतंत्र दिवस है। अमन चैन सुख और आज़ादी की ज़िंदगी जो हम जी रहे दोस्तों, ये आज़ादी हमें यूं ही घर बैठे बैठाए नहीं मिली थी। इसके पीछे बहुत सारे बलिदान, बहुत सारे लड़ाइयाँ लड़ी गई, बहुत सारे वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, बहुत सारे माए अपने बेटे खोए, बहुत सारे बहनें विधवे हुए, बहुत सारे जवान शहीद हुए, तब जाके हमें 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। 200 साल तक करीबन अंग्रेज़ों ने हमारे देश पे हुकूमत यानी कि राज किया। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश को आज़ाद करवाया उन महान वीरों ने, उनका मैं नाम लेना चाहूँगा, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु जैसे हमारे देश के महान वीर थे जिन्होंने अपने प्राण की आहुति देकर हमारे देश को आज़ाद करवाया। उन सब महान वीरों को मैं नमन करता हूं और उनको मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और हर इंडियन को देना चाहिए, क्योंकि ये हमारा फर्ज है। आज भी उन सभी सैनिकों को मैं नमन करता हूं जो भारत के सीमा में जाके अपने ड्यूटी को अंजाम देते हैं, अपने घर बार को छोड़ के, अपने बीबी बाल बच्चे को छोड़ के, अपने सभी को छोड़ के जो जाके भारत के सीमा में जाके अपने ड्यूटी को अंजाम देते हैं, और उसी के बदौलत हम चैन सुख और अमन की ज़िंदगी जीते हैं। दोस्तों, उन वीरों को मैं अपने श्रद्धांजलि देना चाहूँगा और नमन करना चाहूँगा। उनके ऊपर मैं छोटा सा मैं शेर अदा कर शेर बोलना चाहूँगा। माटी मेरे देश की चंदन और गुलाल है, माटी मेरी देश की चंदन और गुलाल है, देश प्रेम सीने में है वो भारत का लाल है, देश प्रेम सीने में है वो भारत का लाल है। हम घरों में बैठे हैं चैन की सांस लेते हैं, हम घरों में बैठे हैं चैन की सांस लेते हैं, और हर कदम पर उनका लहू लुहान है। दोस्तों, जो सैनिक होते हैं, वो जो वीर होते हैं, वो उनका कुछ ना कुछ ज़रूर खोता है।